एटा में लूट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में कासगंज से आगरा जा रही रोडवेज बस के कंडक्टर से दबंगों ने मारपीट कर 16,000 रुपए लूट लिए थे। मामला एक बार फिर दोहराया गया है। दिल्ली से फरुखाबाद जा रही रोडवेज बस जैसे ही एटा पहुंची, तभी 4-5 लोग बस में सवारी बनकर घुस गए। नशे में धुत बदमाशों ने बस के चलते ही चौकी के सामने ही कंडक्टर के साथ मारपीट की और 22,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मामले पर पुलिस ने जांच का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कैमरे पर बोलने से पीछे हट रही है। ये खबर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। कौन से डिपो के हैं और कहां जा रहे हैं? यहाँ में गाड़ी रुकवाई, चढ़ गई सवारियाँ, साथ में वो भी चढ़ गए। कौन? शराब पिए हुए थे, स्टाफ बता रहे थे। जब चलने लगे तो चिल्लाने लगे, मारपीट करने लगे। आपके साथ मारपीट की गई? हाँ, मारपीट करने लगे। कैश छीन लिया। कितना कैश था? खींच ले गए, 20-22 हज़ार रुपये था। और कुछ भी ले गए? और कुछ नहीं ले गए। कब लगभग, कितनी देर से बस खड़ी है? आज 10 मिनट हो गए, लगभग 10-15 मिनट हो गए। 20-22 हज़ार रुपये करीब लूट ले गए। और क्या, 20-22 हज़ार रुपये सामान नहीं बताया जा रहा ले गए? सामान हमारा कुछ नहीं, पैसे लिए उन्हें, कैश निकाला, भाग गए। मारपीट कर खींच के हमें वहाँ तक ले गए, वहाँ ले जाके तब कैश निकाला हमारा। बस से उतार करके? बस से उतार करके जबरन। वहीं सकीट थाना क्षेत्र के नगला अंगदपुर गांव में एक युवक का शव नीम के पेड़ पर लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक अवधेश का लंबे समय से बड़े भाई की साली से प्रेम संबंध चल रहा था, जिससे ससुराल पक्ष अवधेश के खिलाफ था। ऐसे में अवधेश का शव मिलने पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर षड्यंत्र रचकर हत्या करने का शक जाहिर किया है। क्या वजह रही थी इनकी हत्या करने की? उसके उसके साली से प्रेम था जी। तो उसी ने बुलाया था इसे? हाँ, हाँ। उसके भाई ने मरवा दिया। तो किसने मारा? उनके भाइयों ने मारा है। भैया तो दिल्ली से था ना, ऐसे दिल्ली रहते हुए थाना सगेट में एक घटना घटी है, जिसमें एक 20 साल का युवक फांसी पे लटका हुआ बताया गया है। बाहर घर के बाहर नीम के पेड़ में अपने बड़े भाई के ससुराल गया हुआ था, किन्हीं कानों के पेड़ में लटका है। इसके परिजनों ने बड़े भाई के ससुराली जनों की आशंका व्यक्त की है। इस अंत में FIR पंजीकृत कराया जा रहा है और एविडेंस PM के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे पर। उधर अवागढ़ थाना क्षेत्र के नगला लोधा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर का फांसी पर लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को बल्ली से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता का अपने बड़े भाई से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते परिजनों ने मृतक के चाचा पर हत्या कर शव को बल्ली से लटकाने का शक जाहिर किया है। अवर थाने का प्रकरण है। एक 14 साल का बच्चा फांसी से मरा हुआ बताया गया है। इनके परिजनों का आरोप उसके अपने मृतक के चाचा पर ही है, जिसमें FIR पंजीकृत कराई जा रही है। PM के बाद और अन्य साक्ष्यों के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई शुरू।